चाहिए कि धर्म चक्र प्रवर्तन दिन का शुभारंभ हो चुका हुआ है पर वो लोग मना रहे, तो आपकी किस तरह की शुभकामनाएं, किस तरह की भावनाएं, उस बारे में आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम विनय भांगे और सर्वप्रथम मैं मेरे और मेरे परिवार की ओर से धम्म चक्र प्रवर्तन 66वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है, इसकी मैं सभी को, मेरे बहुत भाइयों को, बहनों को इसकी शुभेच्छा दूंगा। और दूसरी बात, ये 66वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन जो बहुत खास बनाया हुआ है भारतीय बौद्ध महासभा, इसके अंतर्गत यशवंतराव चौहान साहब के बेटे भीमराव अम्बेडकर जी, इनका नागपुर में कल आगमन है और कल 66वां धम्म चक्र प्रवर्तन वर्धापन दिन समारोह नागपुर, इसके अंतर्गत इन्होंने कार्यक्रम रखा हुआ है दीक्षा भूमि में। तो मैं सभी से ये आह्वान करूँगा, इनका मैसेज दिया हुआ है कि सभी लाखों की तादाद में वहाँ जमा होने वाले, और ये जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने 66 साल पहले 1951 में 14 अक्टूबर को जिस प्रकार दीक्षा दी हुई थी पावन दीक्षा भूमि पे, उसी प्रकार ये 16 फिर से मतलब मनाया जाने वाला है और इसमें भारी तादाद में लोग शामिल होने वाले। और मैं नागपुर की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग वहाँ मौजूद रहे और मैं और मेरे परिवार के साथ हम सब वहाँ जाने वाले और आप सभी वहाँ आए, ये मेरी आपसे विनती है।